मजे से खा रहे हैं बाजरा भाई। ये कबूतर अभी मैं खोलूंगा ना तो भाग जाएंगे। ये देखना, भाग गए भाग गए भाग गए। इनको भी पता लग गया है कि भाई यहाँ से कोई आ रहा है। स्कूल से बैठ के खा रहे थे ये बनता। चलो खा लो यार, तंग नहीं कर रहा तुम लोग को मैं। अस्सलामुअलैकुम भाई, व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर अभी अभी बेबी अपनी धूप सेक रहा था और वो चले गया अंदर। मॉम ने बोला भाई ज्यादा ही धूप लग गई, इसको इसको अंदर ले जाओ, क्योंकि रोना शुरू कर देता ना बच्चा ज्यादा जब धूप लगती है उनको। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि आज मुझे जाना है मॉम के तोतों के लिए हीटर लेने और मुझे नहीं पता कि हीटर मिलते कहाँ से। तो अभी भैया भी सो रहा है, डमाटस मिंडस भी सो रहा है और फरी अभी स्कूल से आई है और वो भी सो गई है। तो अभी मैं सिर्फ अकेला बचाऊँ, तो भैया जैसे ही उठेगा उसके बाद हम चलेंगे भाई हीटर वगैरह देखने और लेने भी। सो वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। मेरे बाल जो है ना वापसी कर लो तो जा रहे हैं। लेटा हुआ था, मम बोल रही तुम्हारे बाल कर्ल क्यों हो रही है। मम पहले भी तो कर्ल थे जब मैं गंजा नहीं था, याद करो। हाँ, पहले भी बहुत ज्यादा गुच्छे बन जाते हैं। पता नहीं क्यों बाल बड़े होकर कर लो जाते हैं। तुमने शायद वहाँ पर मकरानियों से बाल कटवा लिए होंगे। हैं जी, क्या बात हो गई मकरानियों से। मम्मी क्या बात हुई। नाश्ता भी हमारा बनेगा भाई। नाश्ता हमारा शायद अंडा ही हो और बाकर खानी हो। ये बिस्किट वगैरह भी होते हैं हमारे पास, लेकिन बिस्किट मैं अब नहीं खाता, हेल्दी चीजें खाता हूँ। अंडा उबला हुआ और ये बाकर खानी। ये आ गए हमारे पास काजू, ये आ गए हमारे पास बेरी। अंडा तो है ही नहीं, काम करो ना, सिर्फ बाहर का नहीं हो फिर चाय दे दो। अभी आ जाएंगे, चलो मंगा के कर लो। छोटे महाराजा पापा के पास आ गए, मम्मा लिटा के चले गए। मम्मा बोल रही है कि नाश्ता आ रहा है तो जब तक इसको संभालो। छोटा सा गुड्डू लाल पापा के पास आ गया है, तो पापा तो उसके साथ खेलते हैं, पापा तो उसको सोने देंगे ही नहीं बिल्कुल। इसकी चुस्नी कहाँ गई, चुस्नी लगाते हैं भाई इसकी, ना इसने गुस्सा शुरू कर देना है। वेट वेट, ये लो ये लो ये लो, चुस्नी वाला बच्चा हो गया है बिल्कुल। चुस्नी के बगैर छुपी नहीं होता, निकाल के ना फेंक दे। अरे भाई, अरे भाई चुस्नी भी नहीं चाहिए, फिर क्या करना है भाई, सुकून से बैठ जाओ। चलो ओए, मम्मा भी आ गई इनकी भाई। कहाँ लेके जा रही हो, अभी तो आया पापा के पास। लो भाई जी, पापा तंग कर रहे। मैं तंग नहीं करता इसको, मैं खिलाता हूँ। लाइए लाइए, मम सुबह बेबी को ले गई भाई, उसको लगा कि मैं उसको तंग कर रहा हूँ। चलो तो फिर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ भाई नाश्ता। अंडा फिर खराब हो गया क्या, ऐसे ऐसा क्यों हो रही है। कल वाले तो खराब हो गए थे, सब ने बनाए थे, क्यों होते हैं ऐसे। जब अंडे चटक जाते हैं ना ज्यादा, तो पहले तो नहीं होता था जब मैं बचपन में खाता था, कोई चटकते नहीं थे ना, उसमें पानी भरता था। अब भरते हैं अंडों पे पानी, किसी का छिलका पतला होता है ना वो पहले ही टूट जाता है। तो वही तो बोल रहा हूँ, अब होता है, पहले नहीं होता था अंडों में। अब अंडे खराब आ रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, तो अब कुछ ज्यादा ही पता नहीं फीड करा रहे हैं मुर्गियों को, क्या कर रहे हैं जो अंडे खराब हो जाते हैं। अभी वाला सही है तो अभी खाते हैं। महाराजा सही है, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, फीवर हो रहा है हल्का हल्का, नहीं हो रहा। चलिए फटाफट उठ जाओ, चलो चलना है मॉम के लिए हीटर लेने। हाँ आ गया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। ओके दिखाओ, इधर कोई निशान तो नहीं है, और तूने पट्टी बैठा दी। चलो ठीक है, 5 मिनट के अंदर आ गया। 5 मिनट के अंदर मैं भी देखता हूँ 5 मिनट में कैसे। तो फटाफट से मैं भी रेडी होता हूँ और ये भी रेडी होते हो गया मैं रेडी। जो मेरे कपड़े होते ना, ये मैं नए भी पहन लेता हूँ, कभी पुराने भी पहन लेता हूँ, तो मुझे कपड़ों की ना टेंशन नहीं होती कि यार मैं आज नए पहन रहा हूँ या पुराने पहन रहा हूँ। तो ये कपड़े मैं कभी शादियों में पहन जाता हूँ, ये व्लॉग में पहन जाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि यार कोई मसला ही नहीं। यहाँ कौन सा शीशा है, यहाँ कौन से बाल बन रहे हैं, तो डायरेक्ट बाल बना के डायरेक्ट ट्यूशन भेज दोगी इसको। वही सफाई मतलब देखो अभी तक हो रही है। अच्छा अच्छा पढ़ना सही ट्यूशन में, आज तुम हम लेके नहीं आ सकते भाई, तुम्हारे ट्यूशन की टाइम शुरू हो गई। हम लोग बाहर जाएंगे मॉम के लिए हीटर लेने, बस लेने जा रहे हैं। मैंने नहीं बताया था, सरप्राइज देना था मॉम को, मेरे मुंह से निकल गया। मैं फरिया को बता रहा था यार, मॉम सरप्राइज देना था। अब क्या मतलब, किसके लिए ला रहे हो बस ये? तोतो के लिए आपके? नहीं नहीं, तोतो के लिए नहीं लाओ। नहीं नहीं लाना, लाजमी है, वो मर जाएंगे फिर। वो मैं ढकती हूँ, उनको नहीं लगती। नहीं 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 नहीं, बेकार है, उसमें डर रहता है। नहीं नहीं नहीं, जब भी मैं सरप्राइज दे रहा था आपको। हाँ। नहीं नहीं ज्यादा गर्मी नहीं, कम वाला लेकर आऊंगा, लेकिन सरप्राइज दे रहा था आपको। देखो देखो ये मसला आ जाता है, देखो सरप्राइज अगर किसी को बता दो ना, वो बोलता है फिर ये नहीं करो वो नहीं करो। अब बुरा लगता है भाई। क्या है, अंडा नजर आ गया, मैंने चिड़ियों की पिक्चर खींची। क्यों पिक्चर खींची तो अंडा आ गया। अब भाई वाह, खुशी चेक करो, मोम की चिड़ियाओं ने अंडा दिया। तोते नहीं, तोते तो बाहर हैं। तोते ने बच्चे भी दिए हैं। हाँ हाँ, वो मोम क्या बात है भाई, मैं तो इस कॉन्टेंट से बिल्कुल ही दूर हूँ। तोते चिड़िया ये आपको चाहिए, चैनल बना लो अपने, तोतो चिड़िया पे बनाया करो वीडियो ना, फिर बनाना। अच्छा वही सीन होने वाला है जो मैं पहले बोलता था कि हम सारे चले आएंगे बाहर, पूरे घर में चिड़िया तोते। नहीं, उनकी भी जगह होगी, तुम्हारी भी जगह होगी। ओके थैंक यू मॉम, आप सबके दिल में जगह रखते हो, थैंक यू। तो चिड़ियों ने भी अंडा दे दिया, तुम कब दे रहे हो अंडा? मैं यार अभी थोड़े दिन बाद दूंगा। बताए क्या सरप्राइज खराब कर दिया मैंने, मॉम को गलती से बता दिया कि आपके लिए हीटर लेने जा रहे हैं। तो बता दिया क्यों, मना कर रही है कि नहीं 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 नहीं। चलो चलो हमें जाना है भाई शहर के बीच में जहाँ पर हीटर वगैरह मिलेगा, तो हम अपनी गाड़ी में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी गाड़ी वहाँ फंस जाएगी, तो हम जाएंगे फरारी में। हीटर मिलेगा, हीटर हाँ
है ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ा शुक्र है। हमें करीब ही दुकान में कहीं हीटर दिख गया। देखते हैं हीटर किधर है भाई, हीटर किधर है, कैसे ठीक ठाक छोटा जिसमें लाइट जल रही होती है, आग नहीं निकल रही हो। एलिमेंट हीटर होते हैं आपका जो कमरा है उसमें ये काम करेगा। अच्छा कमरा, लेकिन हमें तोतों के लिए परिंदों के लिए लगाना है, उसके लिए तो फिर आप छोटा हीटर लगा लें है ना, छोटा ये फैमिली वाला हीटर। भाई एक ये हीटर आ गया है, लेकिन ये तो एक रूम के लिए जो कि फैमिली वगैरह होती है ना, तो उनके लिए बहुत ही कमाल का है। ये कह रहे हैं भाई अब हमें लेकिन चाहिए छोटा, क्योंकि तोते भी तो छोटे छोटे होते हैं ना, वो इंसान तो है नहीं इतने बड़े बड़े, तो हमें छोटा लेना पड़ेगा। खोल के दिखा दे मोम को, लग रहा होगा भैया कि हम बहुत बड़ा हीटर ले आएंगे, इसलिए मम ने मना करा है। अभी मोम देखेंगे ना छोटा सा है तो बोलेंगे हाँ ठीक है। एलिमेंट 2 और ये थर्मोस्टेट है कम ज्यादा, ये बेस्ट ले लेते हैं। पुराना है क्या ये? लोकली मैन्युफैक्चरिंग होती है तो फिनिशिंग में थोड़ा सा उसके मुकाबले में फर्क है। यहाँ तो फ्रिज भी है और मशीनें भी है, शुक्र है मॉम जो है ज्यादा डिमांडिंग नहीं है, वरना तो अभी हम लोग यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी लेने आए हुए होते, यहाँ पर फ्रिज भी लेने आए हुए थे। इस चीज से आपका भाई थोड़ा बचा हुआ है, अब ये व्लॉग देख के मॉम कहीं डिमांड ना कर दे यार, अब तुमने बता दिया तो लेने चलो, ऐसा ना हो जाए, लेकिन अभी तक फिलहाल नहीं है मॉम। तो भाई वो पीस जो है वो खराब था, दूसरा मंगाया है, तो 15 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा। बैठ जाओ यहाँ पर और देखते हैं फिर कब तक आते हैं हमारा नया वाला। A few moments later. वो अभी हमारे पास अभी स्टॉक में खत्म हो गया है, तो 10 मिनट बाद वो नहीं है भाई, अब हमें फिर यही लेना पड़ेगा। आप कम हल्का कर सकते हो तो मतलब परिंदों पे हम कम कर देंगे, और जब घर में लगाना होगा तो ज्यादा बढ़ा देंगे, फिर यही लेना पड़ेगा। हाँ ना, ये इम्पोर्टेड है और ये खराब भी नहीं इतनी आसानी से होगा। 2 साल कंप्लीट वारंटी के, मतलब मॉम जो है अब ज्यादा तोते ला सकती है क्योंकि ये 2 साल तक चलेगा, तो 2 साल तक तोते ही तोते। ये हो गया भाई डन। फाइनली भाई मॉम के लिए आज हमने हीटर का टाइम निकाल ही लिया और मॉम के लिए हीटर भी ले लिया। अब मॉम जो है ना तोतों की जो बातें करती है कि मैं ज्यादा ले लूंगी, तो अब उनको परेशानी भी नहीं हुई क्योंकि सर्दी की वजह से वो ले भी नहीं रही थी, और फिर तोते जब अंडे कर देते ना वो फिर कभी कभार तोड़ भी देते, क्योंकि देख लो अगर वो बच्चे भी हो रहे हैं तो वो भी मर जाते हैं। ऐसे ही हो रहा है क्योंकि पहले बच्चे दिए थे तोते ने हमारे 5-6, अब वो 5-6 के 5-6 मर गए थे जब सर्दियाँ आई थी ना, तो उसी वक्त मर गए थे। अब शायद मैंने वो व्लॉग में बताया था, तो अब हीटर आ गया है तो अब कोई चांसेस ही नहीं है भाई, बच्चे हो अंडे हो सब हेल्दी होंगे। अरे रच्छड़। मास्क क्या गन मचाया बंदर, मास्क लगा लेते क्योंकि हम जा रहे हैं भाई अभी दवाइयों की शॉप पर। आज हमने लेनी है भाई सबा की दवाई, जो कि सबा 3-4 दिन से बोल रही है और मैं भूल जाता था, आज मुझे आ गया याद, तो फटाफट से चलते हैं। कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ लाइन लगाऊँ भाई, बहुत ही रश है, यही लगा देता हूँ लाइन। ये तो मैं पहली बार आया हूँ भाई, इतनी बड़ी दवाइयों की ये दुकान है, हर जगह अलग अलग पोर्शन बना हुआ है, अब मुझे कौन से पोर्शन में खड़ा होना है, शायद यही पोर्शन है भाई। ह्यूमिडिफायर, ये एक बॉक्स लिया है और एक ये लिया है दवाई सभा की, बॉक्स बेबी के लिए लिया है भाई, सभा ने बोला है कि रूम में इसको लगाएंगे और पता नहीं इससे क्या होगा, आई डोंट नो, देख लेंगे क्या होता है, तो ले लिया है बस। चलो चलो चलो, देर में आयो। ओ भाई अंदर इतना रश, मैं अंदर आने वाला था, मैं बोला पता नहीं कहाँ चले गए भाई, आधा घंटा 1 घंटा हो गया। तो भाई हम एक बॉक्स लेने गए थे हीटर का, आज हमारे भाई 2 बॉक्स हो गए, तो एक हमारे रूम में लग जाएगा और एक तोतों के पास लग जाएगा। ये दवाई जो है वो भी एक मिली एक नहीं मिली, क्या कैमरा फरारी का। चलो चलो तो एक डब्बा तुम उठा लो, गेट तो खुला ही छोड़ दिया। अस्सलामुअलैकुम, ये आ गई दवाई, दोनों डब्बे आ गए, ये वाला तुम इस कमरे में रख देते। देखे सबसे पहले तो ये बताएं आप इतनी देर से क्यों आए, हम वेट कर करके आपको थक गए। अरे इतना रश था, 1 घंटा समझो दवाइयों में लग गया, आधा घंटा हमें वहाँ लग गया। हीटर कहाँ जाना है आपको, गुस्सा आ गया भाई। ओ भाई बेबी का भी गुस्सा, मम्मा का भी गुस्सा, दोनों ही गुस्से वाले, गुस्से में था ये भी, इसको किस बात का गुस्सा, मैं प्यारू छोटू गुड्डू लाल। मम्मा का ख्याल था मुझे, बेबी के लिए भी आ गया, मम्मा ने जो मंगाया था बेबी की और मम्मा की क्रीम भी आ गई, शुक्र है। लेकिन एक ही मिली, कौन सी, वही वाली नहीं मिली, उस पर अरबी लिखी हुई थी, वो बोल रहे भाई अरबी लिखी हुई, अरबी वाला वर्जन यहाँ पर नहीं है। किसकी कहने पे आपने मंगवाया, यार सब्सक्राइबर्स आप लोग बताते हो ये मंगाओ वो मंगाओ, तो सभा जो है ना फॉलो कर रही है, लोग जो लिख दो जो सभा को भेज दो तो सभा बोलती है हाँ भाई ये सब्सक्राइबर बोल रहा है ये चीज ठीक है, तो इससे होता क्या है, क्या बोला जा सकता है, इससे ना बेबी को फ्रेश हवा फील होगी और इससे इसकी नाक खुलेगी। वाह बेबी वाह, सब्सक्राइबर्स आपकी बहुत केयर करते हैं, आपके लिए चीजें बताते हैं अच्छी अच्छी। पानी कहाँ से डालेंगे, अब आप खुद देख लो कहाँ से क्या करेंगे, चलते हैं हम हीटर की तरफ। मॉम हीटर आ गया है, आपको तो वैसे बता देता गलती हो गई मेरे से, वरना आपका सरप्राइज रिएक्शन लेता मैं आपका, यार अब गलती मेरी है, आप इसको अनबॉक्स करो अपने हाथों से भाई, हमने देख लिया है। ऐसा लग रहा है स्पीकर है ये, 360 है, मतलब कमरे में भी रख दो तो कमरे में पूरा गर्म हो जाएगा और बाहर भी रख सकते हो, लेकिन इसको हल्का करके कमरे में सही। तो के लिए लाया हूं, कमरे के लिए क्यों, तो में नहीं रखूं यार, यहाँ पर तो इतनी गर्मी है हमारे घर में, कराची में सर्दी आई कब, इसीलिए तो नहीं लगा रही मैं, लेकिन तोतों के लिए लगा दो, आज लगा के देखे उनके लिए, तार पहुंच जाएगा उधर, ढकना पड़ता है ना, तो फिर भी अब वो मर गया था एक, वो ढकने से थोड़ी मरता, सर्दी से मरा है वो, मेरी मान नहीं रही भाई, फिर एक और मर जाएंगे, देखो मैं मम्मा की क्या कर रहा हूँ, लेकिन मॉम जो है ना गर्मी से ज्यादा ना हीट से मर जाए फिर क्या होगा, रात भर मुझे टेंशन ही रहेगी।
कि पता नहीं इनको हीट ज्यादा मिल रही है इनको कम मिल रही है, सो भी नहीं पाऊंगी पूरी रात। उस दिन तो बोली थी हीटर सही है, अब जब लिया है तो बोली हीटर खराब है। पापा भी आ गए, हम लोग सामान लेने गए थे। लाइट नहीं जल रही ना, लाइट चलेगा। ओ भाई मॉम ने लगा तो दिया इसको भी, एक मिनट इसका कोई ना कोई बटन होगा। कोई ना कोई बटन क्या मतलब? ओ भाई खराब नहीं कर देना यार। हाँ लाइट तो जल नहीं रही, खराब तो नहीं दिया। वेट वारंटी चल गई। हीटर किस लिए लाया भाई? ये हीटर तोते के लिए लाए थे, लेकिन हम बासिल के लिए यूज करेंगे। लेकिन अब बासिल के लिए कर लेंगे, चलो यूज। आग भी नहीं निकलेगी और गरम भी। रसमलाई दूं मास्क दे दो। रसमलाई आ चुकी है, तो रसमलाई खाते हीटर के सामने, वो भी ठंडी ठंडी। मैंने ये चेक किया है कि ये बाहर लग सकता है, क्योंकि बाहर को ठंड होगी तो पता भी नहीं लगेगा। मुझे हंसी आ रही है। क्यों? हम लोग अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे ना हीटर। हम लोग नहीं ना, मॉम जो है समझ ही नहीं रही यार। मैं तोतों के लिए लेकर आया हूँ, हम लोग के लिए। अब देखो मैंने हुडी पहनी, मुझे पसीना आ रहा है। कराची में ये सर्दी का आलम है, मतलब सर्दी नहीं है तो तोतों के लिए बेस्ट है। तो तुम लगा के छोड़ देना अपनी जिम्मेदारी पर, मैं इसका रिस्क नहीं लूंगी हीटर वाला। देसी मॉम को समझाना कसम से बहुत मुश्किल है, बहुत खुद लगा लूंगा भाई। फिर मैं आपकी नौटंकी का ना एक मिनी व्लॉग बना लूंगी जो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी। और मैं तो तुम्हारी नौटंकी का पूरा 10 मिनट का बना लेता हूँ। वो देखो हंस रहे हैं। बाय बाय मॉम, बाय बाय लव। खाना वाना क्या बनाया मॉम? कुछ भी नहीं मंगाया, पापा के साथ चले जाए। हाँ। तो देख लेंगे जो भी। बेबी की ना छोटी वो ट्रीटमेंट चल रही है, तो बेबी को रोज जरा लेके जाना है, तो मैंने ड्यूटी लगाई है। मम्मा जाती है, सबा जाती है और भैया जाते हैं। घर में फरिया को छोड़ के गए हैं, फरिया को लेके नहीं गए। नहीं लेके गई फरिया को, बच्चों को जब गुस्सा आ जाए, बच्चे जब जिद करे तो बच्चों को छोड़ के जाना चाहिए। अरे है बच्चों को छोड़ गए, बच्ची को छोड़ गए, बच्ची को छोड़ गए, बच्ची को छोड़ गए। कितना मजा आता है चढ़ाने में। आई हाई फरिया को लेके नहीं गए, फरिया को लेके नहीं। पापा सही किया ना, फरिया को लेके नहीं गए। बिल्कुल अच्छा किया भाई, बोलने बिल्कुल अच्छा किया है। हाँ है अच्छा, पापा को मना लिया फौरन से है मस्के लगा कर। क्या कर रहा हूँ, कपड़े निकाल के लेटा हुआ, इसको पहन फटाफट। 10 दिन से तूने ये कपड़े पहने, 10 दिन से सब्सक्राइबर बोल रहे 10 दिन हो गए, कपड़े ही चेंज नहीं कर रहा। 20 दिन बात करूंगा, मेरी मर्जी मेरा कपड़ा है। अबे तेरी तो, तेरे कपड़े ऐसी के तैसी, घर में पूरे बदबू पिला के रखी हुई है बे। चल निकल, हम कमरे से बाहर चले जाते, लेकिन शायद बुखार के वैसे नहीं आ रहा होगा। टमाटर जल्दी जरा एक काम है छोटा सा, जल्दी इसको लगाने की ट्राई करते हैं। बात तो है इसका तार बहुत छोटा है, ठीक है अब हम बाहर कैसे लेके जाएंगे इसको। अरे बाहर देखते हैं कोई अगर हुआ भाई, ये प्लग शलग तो फिर खुल जा। सिम सिम भाई यहाँ पर तो कोई भी सॉकेट नहीं जिसमें हम ये घुसाएंगे। घुस जा ये भाई, ये क्या लगा दिया फरिया ने? आई थिंक ये लाइट लग रही है। हाँ भाई चल जा यार। हाँ ये चल रहा है, तो ये मैक्स इतनी दूर जा सकता है। तोते हमारे वहाँ पर है, उनको हीट कैसे पहुंचेगी? तो मैं यहाँ लाना पड़ेगा। तो फिर फरिया को हम बाहर निकालेंगे कमरे से क्या? भाई क्या बात कर रहा, तोते को यहाँ ले आएंगे तो तीन तीन पिंजरे है वो तो। अबे सॉरी तू ऐसी बात कर रहे थे हम तो यार। काम में लाना पड़ेगा बोर्ड। अब पता लग गया, अब फटाफट बोर्ड लेकर आइयो कल। अब कल बोर्ड लेकर आना पड़ेगा, ये वाला प्लग बोर्ड के अंदर लगाइए फिर वहाँ बाहर रखिए। ये सही है, यही करना पड़ेगा। खाना तो आज घर में बना ही नहीं। पापा पता नहीं कहाँ जा रहे हैं आज खाने पीने बाहर। मैं तो घर पे हूँ, मैं तो अभी बाहर से ही आया, बाहर से मंगा लेंगे खाना और फिर घर में खा लेंगे। अंदर कर देते हैं, इसको फाड़ना नहीं है भाई, 2 साल की गारंटी है। डब्बे को भी संभाल के रखना पड़ेगा। बासिल घर से जाते कितना खामोश हो जाता है घर में, बिल्कुल सन्नाटा है, सन्नाटा हो गया है। बासिल रोता रहता है ना, बासिल रोता रहता है। अच्छा सन्नाटा इस वजह से तो रोता रहता है। फरिया से तो हमारी कोई हलचल रहती ही नहीं है, सिर्फ टैक। ये क्या कहा था ये? कुछ भी। अभी मैंने तेरा टैब लेना छोड़ दिया है, सख्ती करनी भी छोड़ दी है, सारी जिदें पूरी कर ली है, लेकिन कभी भी सख्ती का टाइम मेरा शुरू हो जाएगा वो देखेंगे। अभी खाने का कुछ सोचते हैं, खाना तू बता दे वही मंगा लेंगे यार, बता दे बस तू आज। मैं तो बहुत सारी चीजें कर रहा है। एक बताइए तो बहुत सारा भूखा। आपकी मर्जी, मलाई बूटी और पराठा इस तरह। हाँ। है ना ये? हाँ। सही है ना, आज से खाने में हम मंगाएंगे मलाई बूटी और पराठा। गाइस टाइम जो है वो 9:05 हो गए और टमाटर ने भी नहा लिया है। लाए लाए फरिया लगा रही है भाई खाना। ये आ गई हमारी मलाई बूटी, इसमें देख तेरी शक्ल दिखेगी इसमें तेरे को। बाल बाल भी इसमें बना के चलाइए, स्कूल के लिए डब्बा रख ले बाहर। अबे भाई ये कैसा डब्बा है, इसमें तो शक्ल भी दिख रही है। एक तुम्हारी हो गई, एक मेरी हो गई। चलो बस टैप साइड में टैप, खाना खाते भी नहीं खाते भाई, नहीं वरना मैं छीनना पड़ेगा फिर, कल से छीन लूंगा पक्का मैं, देख लो उसे साइड में। नहीं नहीं उसको रखो, उसको रखो। नहीं नहीं सर, आप सब कुछ खाओ पहले, पहले टैब रख के पहले खाना खा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा देख। मैं कह रहा हूं कि हमें पीछे बड़ा खाना खाओ। नहीं उसको रखे, नहीं मैं भी नहीं खाने दूंगा, देख खाना आ जा। आज पहले हम खाना खाने नहीं देंगे, तो बस खाना मैं नहीं खा रही। ऐसे टैब पे आके तो खाना नहीं खाएगी। चल पापा, पापा इसका टैब, पापा से खाना खाते टैब ले लीजिए।
है ना टैप के ना। देखो अब देखो नहीं नहीं देखे हम जैसे टीवी देखते हैं अब खाना खा रहे हैं तो टीवी टैप में क्या फर्क है? हम तो देखते नहीं टीवी खाना खाते में। नहीं हम तो नहीं देखते। हाँ चल तो रहा हो ना। नहीं 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 आजकल के बच्चे बहुत बहुत जिद्दी हो गए इनके तो मारो। एग्जांपल चेक करिए आपने कैसे एग्जांपल दिए इसने कि जब टीवी चल रहा था तो आप टीवी भी तो नजर जाती है तो आप टैब लेके भी देखो। वाह भाई वाह। खाने के साथ ही इस व्लॉग को एंड करते हैं। अगर पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो मस्त। हीटर का पता नहीं फायदा हुआ नहीं हुआ, मॉम को पसंद आया नहीं आया, मैंने सरप्राइज खराब कर दिया आज के व्लॉग में, मतलब बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन चलो जो भी होता है बेहतर ही होता है, हमारे लाइफ लाइफ व्लॉग है तो बता दिया तो मैंने ये नहीं बोला कि भाई मॉम से छुपाता हूँ फिर दोबारा उसको स्टार्ट करके मॉम को सरप्राइज दूंगा, नहीं बोल दिया तो बोल दिया। सो या डेली व्लॉग है, आपको अगर पसंद आ रही तो आप लाइक करा करें, कमेंट करा करें, शेयर करा करें। रोज रोज एक न्यू कॉन्सेप्ट सोचना बहुत मुश्किल है भाई, और रोज फिर उसको एडिट करना, रोज फिर उसको फिर मेकिंग पे मतलब रखना, व्लॉग बनाना लाइक इस तरह काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट, और 3 मिलियन जल्दी जल्दी करो ताकि आपका भाई लाइव स्ट्रीम करे। यार आप लोग बोल रहे हो कि लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं की, यार मैंने 3 मिलियन पे करनी है वो 3 मिलियन पे, तो जल्दी कर दो फिर करते हैं। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।